जय हिंद दोस्तों मैं उलक्षण सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट आज हम जानेंगे 23 मई दो की कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तो वीडियो को अंदर जरूर देखें पहला क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के देवभूमि द्वारिका जिले के ओखा में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के परिसर का आधारशिला रखी है नेक्स्ट क्या है पूरे श्रीलंका में तीन छात्रों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्रदान की गई है नेक्स्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 मई को जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा के छिहत्तरवें सत्र को संबोधित किया गया है नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले परमाणु हमले के स्थल हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है नेक्स्ट तिरंदाजी विश्व कप दूसरा चरण भारत मिश्रित वर्ग में तीन पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है देखते हैं नेक्स्ट भारतीय एथलीट शैली सिंह ने जापान में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है ठीक है नेक्स्ट डैनियल मेदवेदो ने होलगर रोने को हराकर इटालियन ओपन में पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता है नेक्स्ट राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 चंडीगढ़ ने प्रथम शहरी स्थानीय निकाय यानी कि यू श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है ठीक है नेक्स्ट जैफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष यात्री चंद्र लैंडर बनाने के लिए चंद्र लैंडर बनाने के लिए तीन दशमलव चार बिलियन अमेरिकी डॉलर का नासा अनुबंधन मूल्य जीता है नेक्स्ट बाईस मई को सॉरी बाईस मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दो का फिर दो में इक्कीस मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, दिवस। फिर इक्कीस मई को क्या मनाया गया राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस नेक्स्ट क्या है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों के लिए हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना कौन सा मध्य प्रदेश नेक्स्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ नाथ ने सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है सुशासन नियमों वाला देश का पहला राज्य बना है कौन तो महाराष्ट्र नेक्स्ट एंड लास्ट सिद्धार्थ मैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है ठीक है धन्यवाद मिलता है अगले वीडियो में वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें